हाई वे वन आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग आज हम ये लुक क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग ऑल द प्रोडक्ट्स फ्रॉम मरियम परवीज कॉस्मेटिक्स इनके न्यूली लॉन्च आई शेडो पैलेट है और कॉन्टोर स्टिक है जिससे हम लोग लुक क्रिएट करने वाले हैं ये इनकी रेडियंस आई शेडो पैलेट है जो इन्होंने मुझे सेंड की थी साथ, साथ इन्होंने मुझे दो ब्रशेज एक ब्लश एक ग्लॉस एंड देन इनकी स्टिक एंड एक मिरर सेंड किया था सो so, ये आप देख सकते हैं सो so, हम लुक क्रिएट करते हैं सबसे पहले मैं इनकी आई शरों से मेकअप स्टार्ट करूंगी ये इनकी रेडियंस आई शरो पैलेट है जिसमें आप देख सकते हैं मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाती हूँ फोर ग्लिटर्स हैं बाकी सारे के सारे जो है ना वो शिमर हैं इसमें कोई भी मैट नहीं है आ, एक मैट शेड ज़रूर होना चाहिए था बट ये जो शिमर शेड्स हैं और ग्लिटर हैं वो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हैं और ग्लिटर आपकी आईज को बिल्कुल भी आ, आई मेकअप को ख़राब नहीं करता मैंने इनका लाइलैक शेड अप्लाई किया है और यहाँ पे आई लुक मैंने कम्प्लीट कर ली है लैशेज़ अप्लाई कर ली हैं कंसीलर अप्लाई कर लिया है फाउंडेशन मैंने स्किप कर ली है अभी मैं इनकी ये कॉन्टोर स्टिक यूज़ कर रही हूँ इन द शेड अंबर और फर्स्ट uh, इंप्रेशन मुझे ये कॉन्टोर स्टिक बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई बिकॉज इट इज़ रियली रियली क्रीमी बटरी ब्लेंडिंग इसकी बहुत अच्छी है अगर आप लोग बिगिनर हैं और आप लोगों को कॉन्टोर करने में मुश्किल होती है आप लोगों को लगता है कि कॉन्टोर ऑल ओवर द फेस लग जाता है तो आई हाईली रिकमेंड कि आप इनका ये ब्रश लें और ये कॉन्टोर स्टिक लें जिससे कॉन्टोर अप्लाई करना और ब्लेंड बहुत ईजी हो जाता है ये इनका ब्रश है ब्रश आ, इसका नंबर है सो so, मुझे ये स्टिक बहुत पसंद आई थी आप देख सकते हैं मैंने इसको ब्लेंड किया अगर आप लोगों को लग रहा है कि ब्लेंडिंग सही से नहीं हुई तो वेट करें जब मैं फुल फेस ऑफ मेकअप कर लूंगी तो हर चीज जो है ना वो ब्लेंड ब्लेंडेड लगती है अच्छा ये मैंने अप्लाई कर लिया इसके बाद मैं इनकी ये ब्लश स्टिक अप्लाई रही हूँ दिस इज़ इन द शेड रोज इट इज सच सच ए ब्यूटिफुल पिंक कलर आप देख सकते हैं कि कितना समरी कलर है मतलब समर्स में ये बहुत अच्छा लगेगा मैं इसको लास्ट ईयर से यूज कर रही हूँ काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और अगेन आपकी फाउंडेशन को बिल्कुल भी मूव नहीं करता है बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो जाती है यहाँ पे देखिए मैंने ब्लेंड कर ली हाइलाइटर के लिए मैं इन्हीं की पैलेट में से ये शेड ले रही हूँ विच इज़ इन द शेड लाइलेक और आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इसने मुझे हाइलाइटेड लुक प्रोवाइड किया है बहुत ज़्यादा हार्श um, नहीं है बिल्कुल सटल सा हाई इसने प्रोवाइड किया है मिसरोज डॉट कॉम डॉट पी के की मैंने यहाँ पे आईब्रो पेंसिल एज डिप्लाइनर अप्लाई किया इन द शेड जीरो वन एंड लिप्स को फिल करने के लिए मैं अगेन इनका ब्लश स्टिक यूज़ कर रही हूँ इन द शेड रोज एंड देन इनकी स्लीक ग्रॉस यूज़ कर रही हूँ इन द शेड पिंकी एंड ये वाली जो ग्लॉस है इसने आप देख सकते हैं मेरे लिप्स को प्लप कर दिया है सारी की सारी चीज़ें फ्रॉम मरियम परवेज कॉस्मेटिक्स इज हाईली हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है पैकेजिंग वाइज बहुत अच्छी है एंड uh, ये आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा लुक आया है सो so, मेरी तरफ से इनकी प्रोडक्ट्स आर हंड्रेड परसेंट रिकमेंडेड नीचे मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगी यू कैन गो एंड चेक इट आउट आई रियली रियली लाइक माई लुक आप लोगों को कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो